गाइस, दिस इज मी अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेमो दिखाया था बूटस्ट्रैप 4 के प्रोजेक्ट का। तो मैंने बोला था कि हम उसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास था प्रोजेक्ट का डेमो, ठीक है। वो पार्ट 1 था जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो आज हम क्रिएट करेंगे पार्ट 2 में नेविगेशन बार, कंप्लीट नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे जिसमें ये इफेक्ट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी है, नेस्टेड ड्रॉप डाउन भी हैं, ठीक है। और ये भी एनिमेशन है, और ये बटन फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और टॉगलर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे नेविगेशन बार के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको करवाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ, ज़रा स्पीड से करवाऊंगा। जो नेसेसरी लिंक्स हैं वो मैंने दे दी हैं, और ये वाला स्क्रिप्ट का कोड भी मैंने दे दिया जो कि हमें नेस्टेड ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी था। तो लेट स्टार्ट। डिफ क्लास, सबसे पहले मैं कंटेनर फ्लूड यूज़ कर लूँगा, उसकी पैडिंग दे दूंगा 0। ओके, अब हमने यहाँ पे नैव बार क्रिएट करनी है। नैव बार, नैव बार उसे मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ कि जब भी आपने एडिट करना होता है अपना कोड या किसी को दिखाना होता है तो उसे समझने में आसानी हो। नैव बार, नैव बार, ओके, नैव बार एक्सपेंड MD, और इसका बैकग्राउंड मैं कलर कर दूंगा BG डार्क। नैव बार डार्क फॉर एनिमेशन, ओके। अब यहाँ पे हमने ब्रांड यूज़ करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं शॉपिंग, ये ब्रांड है एक हमारे पास। तो यहाँ पे हम ब्रांड यूज़ करेंगे, नैव बार ब्रांड, इसे मैं कर दूंगा कमेंट में, ओके। ए टैग यूज़ करेंगे, हैश क्लास, इसमें क्लास यूज़ करेंगे, क्लास नैव बार ब्रांड की, ओके। और दे देंगे शॉपिंग, ये हमने ब्रांड क्रिएट कर लिया। अब हमने टॉगलर यूज़ करना है। टॉगलर, टॉगलर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले बटन क्रिएट करेंगे। नैव बार कोलैप्स, कोलैप्स भी आप कह सकते हैं, टॉगलर भी। तो यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन, उसमें क्लास देंगे नैव बार टॉगलर की, ओके। टाइप इसकी दे देंगे बटन, इधर डाटा टॉगल देंगे, डाटा टॉगल, डेटा टॉगल हम देंगे कोलैप्स, ओके। डेटा टारगेट, डेटा टारगेट हैश नैव बार कोलैप्स, आप कोई भी टारगेट दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। स्पैन फॉर आइकन के लिए हम यूज़ करेंगे स्पैन, क्लास देंगे नैव बार टॉगलर आइकन की, ओके। अब इसके बाद हम डिव क्रिएट करेंगे, डिव इसके अंदर क्लास देंगे नैव बार, ओके, नैव बार, नैव बार कोलैप्स, और आईडी देंगे नैव बार कोलैप्स की, ओके, जो डाटा टारगेट में थी। अब यहाँ पे हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं, तीन हमारे पास नैव बार लिंक्स हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हम वो लिंक्स क्रिएट करने लगे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएल क्रिएट करेंगे, क्लास इसके अंदर क्लास देंगे नैव बार नैव की, ओके। लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्लास यूज़ करेंगे नैव आइटम। ए टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हैश क्लास नैव लिंक, ओके। और यहाँ पे होम, इसे मैं कर दूंगा कॉपी, कॉपी सॉरी पेस्ट, पेस्ट। और इधर हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी आती हैं, बस मैं बता रहा हूँ। अबाउट अस, जिन्होंने तो लेक्चर दिए हैं उन्हें वो तो इजीली क्रिएट कर लेंगे इसे। अबाउट अस, ओके, लेट्स सी। ये देखिए, ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है जो कि राइट साइड पे है, ठीक है, और एक बटन क्रिएट करना है उसके साथ। तो ये भी हम क्रिएट करते हैं। राइट के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है, नेवर राइट, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे, क्लास नैव बार नैव, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे ML ऑटो, ठीक है। लिस्ट वैसे ही क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर क्लास देंगे नैव आइटम की, ठीक है। अब हमने फॉर्म एक क्रिएट करना है, फॉर्म इसके अंदर दे देंगे क्लास फॉर्म इनलाइन। फॉर्म इनलाइन इस वजह से क्योंकि
इनपुट का टेक्स्ट और बटन हमारा एक ही लाइन में आए, इस वजह से फॉर्म इनलाइन क्लास देंगे। इनपुट क्रिएट करेंगे टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख दूंगा सर्च, ठीक है, सर्च, और यहाँ पे क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है, बटन क्लास btn, btn सक्सेस और ये सर्च, और यहाँ पे आपको एक मार्जिन राइट दे दें, मार्जिन राइट md2, ये आपने इस वजह से देना है क्योंकि बटन और इनपुट टेक्स्ट के दरमियान आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस है, आप ये देख रहे हैं, इस वजह से मैंने ये दिया है। यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर हमारे पास टॉगलर भी हमने क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, टॉगलर भी आ चुका है। तो अब हमने क्रिया क्या चीज़ क्रिएट करनी है, ड्रॉप डाउन, कॉन्टैक्ट टास्क के अंदर हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट टास्क ढूंढेंगे, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट टास्क है, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट में हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लिंक में ड्रॉप डाउन टॉगल, इसके साथ डाटा टार्ग, डाटा टॉगल हम देंगे ड्रॉप डाउन। ओके, अब इसी लिस्ट के अंदर हम एक यूएल क्रिएट करेंगे, इसे मैं ड्रॉप डाउन कमेंट कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन। ओके, अब इसी लिस्ट के अंदर हम यूएल एक क्रिएट करेंगे, यूएल क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, वैसे ही आप लिस्ट दे दें, ठीक है, और यहाँ पे ए टैग क्लास, इसके ड्रॉप डाउन आइटम, आइटम हमारे पास है फेसबुक। ओके, ऐसे ही मैं तीन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, इनके अभी मैं नाम चेंज करता हूँ बाकी भी। अब हमने नेस्टेड ड्रॉपडाउन क्रिएट करना है, सबसे पहले फेसबुक के अंदर क्रिएट करना है, तो वैसे ही यहाँ पे लिस्ट पे हम क्लास देंगे ड्रॉपडाउन की। ओके, और यहाँ पे लिंक में ड्रॉपडाउन टॉगल, वैसे ही यहाँ पे डाटा टॉगल, वो क्या हमारे पास ड्रॉपडाउन, और इसी लिस्ट के अंदर हम क्या दे देंगे, यूएल क्लास ड्रॉपडाउन मेन्यू। ओके, लिस्ट ए टैग, इसके अंदर हम क्या दे देंगे, क्लास ड्रॉपडाउन, ड्रॉपडाउन आइटम। ओके, आइटम में हम क्या दे देंगे, फेसबुक है तो मेरा हमारा पेज है वेब लर्नर्स फेसबुक पे, तो ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर दे देता हूँ नेस्टेड ड्रॉपडाउन, नेस्टेड ड्रॉप डाउन। ओके, तो इतना ही मैं पेस्ट कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि हमने सब में क्रिएट करना है, इस लिस्ट से लेके यहाँ तक, इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर दूँगा। ओके, बस थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, इस फेसबुक की जगह मैं लिख दूँगा यूट्यूब, इस वेब लर्नर्स की जगह मैं लिख दूँगा हाउ टू डू दिस, जो कि हमारे चैनल का नेम है, इस फेसबुक की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, और वैसे ही अपनी इंस्टाग्राम का नाम। ओके, लेट्स सी, तो अब देख सकते हैं हमारे पास ड्रॉपडाउन भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने अबाउट अस के अंदर मॉडल क्रिएट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल, तो हमने मॉडल क्रिएट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अबाउट अस हम देखेंगे, ये हमारे पास अबाउट है अस है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लिंक देना होता है, मैं माय मॉडल का दे रहा हूँ, ठीक है, और डाटा टॉगल देना होता है, यहाँ पे डाटा टॉगल, वो आपको देना होगा मॉडल, क्योंकि हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाहर आपको एक डिव क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर आपको क्लास देनी होगी मॉडल की, मॉडल, और आईडी पास करनी होगी माय मॉडल। ओके, उसके बाद आपको डिव मॉडल डायलॉग आपने क्रिएट करना है, मॉडल डायलॉग। ओके, उसके बाद आपने डिव मॉडल कंटेंट क्लास मॉडल कंटेंट। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले आपने हेडर क्रिएट करना है, क्लास मॉडल हेडर। ओके, आप हेडर की जगह यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं,
एक वो प्रोवाइड बेस्ट और ये क्रॉस का बटन। तो हमने ये दो चीज़ें स्विच के अंदर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप H4 हेडिंग के लिए यूज़ कर लें, क्लास मॉडल टाइटल, हमारे पास ये टाइटल है तो इसका नाम वी प्रोवाइड बेस्ट, वो पे प्रोवाइड बेस्ट। ओके, एक हमने बटन क्रिएट करना है, बटन उसकी टाइप हमारे पास है बटन, ठीक है। क्लास कौन सी यूज़ करनी है, क्लोज, क्योंकि हमने इसे क्लोज करना है और डाटा डिसमिस करना है। डाटा डिसमिस किसको करना है, हमने मॉडल को करना है, तो हम लिख देंगे मॉडल। ओके मॉडल, और यहाँ पे एंटिटी लिख देंगे क्रॉस बटन के लिए कौन सी, एंड टाइम्स और सेमी कोलन लास्ट में। तो हमारा ये मॉडल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने अब लेस बाद में लिखना है डिव मॉडल बॉडी। अब हमने मॉडल बॉडी क्रिएट करनी है, मॉडल बॉडी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर देख रहे हैं ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर दूँगा, कॉपी, और यहाँ पे सिंपल क्या कर दूँगा, पेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज एक बटन लगा हुआ है फुटर पे, तो फुटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मॉडल का। इससे बाहर आके मॉडल, हाँ सॉरी डिव, सबसे पहले डिव, क्लास मॉडल फुटर। ओके मॉडल फुटर में हम क्या देंगे, बटन क्रिएट करना है हमने क्लोज का, बटन क्लास btn, btn डेंजर। ओके और डाटा डिसमिस, क्या डिसमिस हमने करना है, मॉडल को हमने डिसमिस करना है, मॉडल। इस बटन का नाम क्या दे दूँ, क्लोज, लेट्स सी नाउ यू कैन सी। अब हमारे पास सारी ये चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, बस हमारे पास क्या रह गया है कि एनिमेशंस रह गई हैं, ठीक है। तो जो हमने सी एस एस फाइल क्रिएट की थी, ये मैंने सी एस एस फाइल क्रिएट की थी वेबसाइट, तो यहाँ पे हमने एनिमेशन देनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिंक्स पे एनिमेशन है, ठीक है। तो लिंक्स होवर, सॉरी होवर, जब लिंक्स होवर हो तो फॉन्ट साइज मैंने इसका 20px किया है, 20px, और ट्रांजिशन इसकी मैंने की है 0.5 सेकेंड। ओके अगर आपने सी एस एस सीखनी है तो सी एस एस का भी मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद बटन, बटन होवर पे भी हमने काम करना है, बटन होवर सेम यही चीज़ें, उस पर भी हमने क्रिएट करनी है कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं आप, ठीक है। अब एक काम रह गया, जैसे मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर हमारे पास वाइट है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है। तो हमने ऐसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे करेंगे इनपुट फोकस, इनपुट, और इसकी सबसे पहले टाइप देंगे, टाइप हमारे पास कौन सी है, टाइप हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। आपकी पासवर्ड है, टेक्स्ट है, ईमेल है, जो भी इनपुट की टाइप है वो आप यहाँ पे क्रिएट करें और लिखेंगे फोकस। जब हमारे पास फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, और इसका कलर क्या हो जाए, टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, वाइट, लेट्स सी। ये तो ये हमने अमेजिंग नेविगेशन बार क्रिएट कर ली। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिशन, बाकी ये और ये लिंक्स हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।